गृह मंत्री राजनाथ सिंह को राजधानी लखनऊ में चुनाव लड़ाने के चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश के सांसद लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। इसलिए मुरादाबाद सांसद कुंवर सर्वेश सिंह, बिजनौर सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह, पूर्व सांसद नगीना सीसाराम रवि और अफजलगढ़ विधायक कुंवर सुशांत सिंह से लाइव 24 के संवाददाता संजीव कपासिया ने लखनऊ में खास बातचीत की। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 2019 का चुनाव चल रहा है, लगातार बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के सांसद देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चुनाव लड़ाने आए। हमारे साथ कई सांसद मौजूद हैं, मुरादाबाद के बड़े कद्दावर और दबंग सांसद के रूप में जाने जाते हैं कुंवर सर्वेश सिंह। जानेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके का मतदान हुआ है। मतदान बहुत अच्छा हुआ है, गठबंधन बड़ी मजबूत स्थिति में लोग कह रहे हैं। क्या नहीं, हमें तो अपनी लोकसभा में कह सकता हूँ, ये 23 मई को पता चल जाए गठबंधन का क्या हाल है। आपका तो मुरादाबाद मंडल में कहते हैं कि हर आदमी सर्वेश है, हर आदमी कहता है कि मैं सर्वेश हूँ, ये क्या स्थिति है, कैसे बना पाएगा? संबंध हमारे शुरू से हैं, राज के नहीं है भाई। 91 से मैं विधायक रहा 14 तक, अब आज MP हूँ, आज मेरा बेटा ही विधायक है, और उससे पहले 62 से लेकर 89 तक फादर MLA रहे, 4 बार MP भी रहे। हमने आज तक पूरी लोकसभा या पूरी विधानसभा को अपना परिवार मान के काम किया, निस्वार्थ सेवा की है, मान सम्मान दिया है और विकास कराया है, और हर बच्चा बच्चा ये समझता है कि मैं स्वयं सर्वेश हूँ, स्वयं सांसद हूँ, स्वयं विधायक हूँ, और उनका हक है, वो है भी। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन की क्या स्थिति है? अंतर विशेष कुछ नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परसेप्शन की बात की जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुआ और कल मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया, क्या मानना है आपका? मेरा ये मानना है ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो बिल्कुल बात सही है कि हमारे योग्य सैनिक हैं और उनकी बहुत ही विश्व में सबसे ज्यादा उनकी कठिन उनका परीक्षण है, बड़ा कठिन उनकी ट्रेनिंग है, मगर ये नेतृत्व तय करता है कि हम मनमोहन सिंह जैसे अमरीका के सामने गिड़गिड़ाने जाएंगे बम्बई के हमले के बाद, या हम मोदी जैसे उनके घर में अंदर घुस के उनके दांत खट्टे करेंगे। और ये इसी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी अनेकों देशों में जाके और उन्होंने एक अपने व्यक्तिगत संबंध बनाए, ये उसी का कारण है कि आज पूरी दुनिया साथ खड़ी हो गई हमारे, यहाँ तक कि चीन ने भी इस बार ये आतंकवादी को घोषित करने में बढ़िया चल रहे हैं। और जब से हमारी सरकार योगी जी ने बनाई है तब से आप देखिए स्टेट हाईवेज और सड़कों में भी कितना बड़ा सुधार आया। शीशराम रवि जी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दलितों के बड़े नेता हैं, बसपा की बात की जाए तो किस तरीके से दलित भाजपा के साथ रहा है पश्चिम में, क्या आपकी बात? हाँ बिल्कुल रहा है। उसका कारण यह है कि मायावती जो है अपने वोट बेचती है, टिकट बेचती है। पहले वो जो है बड़ा आरोप लगा, पहले दलितों के मतलब आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं बसपा पर। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही बात कह रहा हूँ। मायावती ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोर्ट जाइए ना आप, सबूत गठबंधन किया, वो तो जाएंगी जेल जाएंगी, सीबीआई लगी हुई है, वो हिसाब बता दें कि 50,000 करोड़ रुपया जो है उन पर कहां से आया, 50 करोड़ रुपया वो जो है इनकम टैक्स दे रही हैं, तो कौन सी ऐसी बिजनेस चल रही है। उन्होंने जो है दलितों की नेता अब नहीं है, वो अब दौलत की नेता है, अब दलितों के नेता हम लोग हैं। हमारे साथ विधायक सुशांत सिंह है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर घराने से हैं, उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। राजधानी में आपकी बार क्या है राजनाथ सिंह का माहौल? क्योंकि प्रदेश की राजधानी है और पूरा का पूरा प्रदेश यहां से प्रभावित होता है। परंपरागत तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये गढ़ रहा है और इस बार भी मुझे यही उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा अधिक अंतर से राजनाथ सिंह जी जीतेंगे, क्योंकि शिक्षित समाज, पढ़ा लिखा समाज, जो जागरूक समाज, और ये जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, हर व्यक्ति यहाँ पर पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा आदमी हमेशा ही इस बार ज्यादा बढ़ करके वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भले ही सपा और बसपा उत्तर प्रदेश से भाजपा को हराना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी विकास के मुद्दे पर चलते हैं उससे साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार फिर भाजपा सरकार। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजीव कपासिया, लाइव 24।